शांति। आज की तारीख है 6/10/2023, 6 अक्टूबर 2023। आज मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक शिव बाबा के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। याद में रहने से ऐसी प्रैक्टिस करो, शिव बाबा को ऐसे याद करो कि अंत के समय में जब बाबा कहते हैं जब प्राण इस तन से निकले तो क्या हो, एक शिव बाबा के सिवा दूसरा कोई भी याद ना आए, क्योंकि कोई भी याद आया तो फिर बुद्धि उसी ओर लटकी रहेगी और बाबा से दूरी हो जाएगी। प्रश्न है आज की मुरली से, किस एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हो? उत्तर, शिव बाबा की मत है, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है, उस समय उठकर मुझ पिता को मुझे याद करो, तुम बख्तावर बन जाएंगे। सवेरे सवेरे उठकर बाबा कहते हैं जब तुम मुझे याद करोगे, शिव बाबा को याद करना अमृत वेले, तो तुम तकदीरवान बन जाओगे। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं तो जिन सोया तिन खोया, सिर्फ सोना और खाना ये तो गवाना है। इसीलिए सवेरे उठने की आदत डालो, इसीलिए अमृत वेले का बहुत महत्व बाबा ने दिया है। 3 से 5 अमृत वेले का समय, या तो फिर 4 से 5, अगर 3 बजे आँख नहीं खुलती तो 4 से 5। तो बाबा कहते हैं इतना तो हमारे बच्चे को, हर एक बच्चे को सवेरे उठ के जरूर याद करना है, जरूर अशरीरी होने का अभ्यास करना है। गीत है आज की मुरली से, तूने रात गवाई सोए के। धारणा के लिए पहली पॉइंट है, कौड़ी जैसे तन मन धन जो भी है उसे शिव बाबा पर कुर्बान कर फिर ट्रस्टी होकर संभालना है। कौड़ी के समान उसे तन मन धन जो भी है उसे शिव बाबा पर समर्पित कर फिर ट्रस्टी होकर देखना है। बाबा ने हमें सौंपा है, निमित्त बनाया है, ममत्व निकाल देना है। दूसरा नंबर, सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, क्योंकि पूरा दिन जो ग्रस्त में है तो कभी कभी ऐसा होता है पूरा दिन टाइम नहीं मिलता बाबा को याद करने का। तो बाबा कहते हैं अमृत वेला जब बाबा को अच्छी रीति से याद करते हैं तो वह याद पूरा दिन बनी रहती है। ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से माया पर विजय प्राप्त करनी है, माया के 5 विकारों को जीतना है, ज्ञान बल से और बुद्धि योग के बल से। वरदान है, दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूरत बाबा। आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करना का समय सरकमस्टांस नहीं होगा, परिस्थितियां नहीं होगी, तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति, प्रेम सुख व आनंद की शक्ति का अनुभव करा सकोगे। जैसे जड़ मूर्तियों के सामने बैठ जाते हैं तो चेहरे द्वारा वाइब्रेशंस मिलते हैं, नैनों से दिव्यता की अनुभूति होती है। तो आपने जब चैतन्य में सेवा की तब जड़ मूर्तियां बनी हैं, इसीलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो, तब महादानी वरदानी मूरत बन सकेंगे। बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि दृष्टि द्वारा शक्ति लेना, बाबा से बाबा को देखना, बाबा से शक्तियाँ लेना और फिर ये शक्ति देने का अभ्यास करना कि मेरे आँखों से, मेरे नैनों से, मेरे मस्तक से, हाथों से शांति की किरणें इस पूरे संसार में जा रही हैं, ये अभ्यास करना है, तब महादानी वरदानी मूरत बन सकेंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो, आपके चेहरे पर सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। फीचर्स से सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। आज की मुरली से सामान का अभ्यास करेंगे। मैं शांति का फरिश्ता हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति का फरिश्ता हूँ। 1 मिनट के लिए उसे शांति के सागर परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। आइए मास्टर प्रेम की सागर बन, इस संसार को प्रेम का सकाश दे, परम धाम से परमात्मा शिव से प्रेम का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। मैं आत्मा
मास्टर प्रेम की सागर बन गए, प्रेम स्वरूप बन गए। मेरे रोम रोम में प्रेम का प्रकाश बह रहा है। अब ये प्रेम का प्रकाश, ये ईश्वरीय प्रेम की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में फैलती जा रही है। क्रोध में जलती हुई उन आत्माओं तक जा रही है। वो आत्माएं प्रेम से भरपूर हो गए। इस संसार की हर एक आत्मा क्रोध मुक्त हो गई, ईश्वरीय प्रेम से संपन्न बन गई। आत्माएं पावन बनती जा रही हैं। प्रेम मैं हो गई।